अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम लोग आपके लिए बना रहे हैं ईद का स्पेशल शीर कोरमा। तो चलिए मैं बताती हूँ शीर कोरमा बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने यहाँ पर सेवैयों का एक पैकेट लिया है, मगर आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई है कि इनको बेगम सेवैयाँ क्यों कहते हैं। अगर किसी को पता हो तो हमें कॉमेंट में बताएं प्लीज़। दूध लिया है और ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, ये ऑलपर मिल्क है, आप भी इसी से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा और क्रीमी शीर कोरमा बनता है। उसके बाद यहाँ पर 2 कप चीनी के लिए हैं, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। छोटी इलायचियाँ हैं, इसमें से मैं 4-5 छोटी इलायचियाँ इस्तेमाल करूँगी। बाकी हमारे पास नट्स हैं, बादाम पिस्ते हैं, खोपरा है, एक साबुत बटिया पूरी, वो मैं अभी काट लूँगी। और बाकी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर किसी को छुआरे पसंद हैं, किशमिश पसंद है, आप वो भी डाल सकते हैं। जो आप लोगों को ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो चलें हम फटाफट से अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और आप लोग देखिएगा कितने जल्दी और झटपट हमारा शीर कोरमा बन जाएगा। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, सबसे पहले हम दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मैंने छोटी इलायचियाँ 2-3 खोल ली हैं, इनको हम खोल के डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, मगर जब इसके बीच मुँह में आते हैं तो बहुत ही जहर लगते हैं ये। जब तक हमारे दूध में बॉयल आ रहा है, शीर कोरमे की जो सेवैयाँ हैं उनको हम तोड़ लेंगे इस तरीके से छोटा छोटा। मेन टिप है कि शीर कोरमे में कभी भी आप साबुत सेवैयाँ नहीं डालेंगे, जब भी उसकी सेवैयाँ होंगी आप इस तरीके से तोड़ के समझे चूरा करके हम बिल्कुल सेवैयों को डालते हैं। अच्छी तरीके से मैंने इनको चूरा कर लिया है। 1.5 किलो दूध में मैंने समझे आधे पैकेट के करीब सेवैयों का लिया है। दूध को हम थोड़ी देर के लिए अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि वो खूब अच्छी तरीके से पक जाए, इलायचियों का जो जायका है वो दूध में शामिल हो जाए। थोड़ा थोड़ा आप इसमें चमचा चलाते जाएँ, कहीं दूध नीचे से लग ना जाए। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं दूध को हमारे पकते हुए, अब हम इसके अंदर अपनी सेवैयाँ शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चमचा चलाते जाएंगे, नहीं तो सेवैयों को एकदम से गोला बन जाता है, तो आप चमचा चलाते जाएं और अपनी सेवैयाँ सारी इसके अंदर ऐड कर दें आप। बस अब हम इसके अंदर थोड़ा सा चमचा चलाएंगे और 10 से 20 मिनट के लिए ढक के हम अपनी सेवैयों को पकने के लिए छोड़ेंगे, जब तक कि हमारी सेवैयाँ हल्की सी मोटी नहीं हो जाती। और आप देखिएगा पकने से हमारा दूध भी अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा। ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं, अब हम अपना शीर कोरमा चेक करते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सेवैयाँ भी अच्छे से फूल गई हैं और दूध भी आप देखें गाढ़ा हो गया है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप के करीब मैंने चीनी ली है, आप लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चीनी कम लगे तो आप लोग और ऐड कर लीजिएगा, मगर इंशाल्लाह देखिएगा ये मुनासिब रहेगी चीनी। हमारा शीर कोरमा ऑलमोस्ट डन है, अब हम अपना बघार रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर हम 1 टेबलस्पून भर के घी का डाल देंगे, इसको हल्का सा गर्म होने का वेट करेंगे। बादाम शामिल कर देंगे हम इसके अंदर, स्लाइस करे हुए पिस्ते, और ये छुआरे हैं जिनका बीज निकाल के मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इनको हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे जब तक कि अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती इसके अंदर से। ये देखें 5 मिनट लगे हैं और ये हमारे बादाम पिस्ता अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं और इनका कलर भी आप देखें चेंज हो गया है। बस अब हम इस बघार को डायरेक्ट अपने शीर कोरमे के ऊपर डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है और ट्राई करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का शीर कोरमा कैसा बना हमारी रेसिपी से। इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार बनेगा। नारियल मैंने बारीक बारीक काट लिया था, मगर इसको मैंने फ्राई नहीं करा था, नहीं तो ये बहुत सख्त हो जाता। ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर शीर कोरमे में कोई से भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। मैंने किशमिश नहीं डाली, हमारे यहाँ पसंद नहीं करी जाती, आप लोग चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं, खजूरें भी इसमें डलती हैं। जो भी आप लोगों के घर में पसंद करा जाता है ड्राई फ्रूट आप वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये देखें कैसे जल्दी झटपट से हमारा मज़ेदार धमाकेदार सा शीर कोरमा बन के रेडी है। अब बस मैं थोड़ी देर इसका ठंडा होने का वेट करूँगी और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। चलें जी शीर कोरमे को डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़े से रोस्टेड बादाम पिस्ते मैंने बचा लिए थे, इनके हम ऊपर से टॉपिंग करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की सिंपल सी शीर कोरमे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।